बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे दुआ है कि सब देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही यूनिक और छोटी सी झटपट सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आलू रंडों का सालाना बहुत ही यूनिक तरीके से आपके सामने बनाने जा रही हूँ। तो झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। उसके लिए मैंने पैन में तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल की ऐड किए हैं, और एक अदद प्याज जो कि बारीक कटिंग करके ये देखे मैंने ऐड किया है, और एक छोटा टुकड़ा अदरक का। अदरक को भी हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे और उसको इसी तरीके से ऐड करेंगे। अदरक को पीसना बिल्कुल भी नहीं, और इसमें सिर्फ अदरक ऐड की है मैंने। और याद रखिएगा, जब हम अदरक को पीस के ऐड करते हैं तो और टेस्ट आता है, जब हम अदरक को इस तरीके से कटिंग करके ऐड करते हैं तो इसका और टेस्ट आता है। नमक आप हसब ज़ायका ऐड करिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, और 1.5 टेबल स्पून मैंने मिर्चों का ऐड किया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक मिर्च ऐड करिएगा। और 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी का ऐड किया है। तो इसमें थोड़ा सा स्पाइसी ही नमक मिर्च थोड़ी तेज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि आलू अंडों का सालन है तो ऐसे कम नमक मिर्च जो होती है वो अच्छी नहीं लगती। तो एक अदद मैंने इसमें टमाटर का ऐड किया है, टमाटर का पेस्ट बना लिया और टमाटर ऐड किया। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब इसका मसाला तैयार हो जाएगा, इसमें अब हम आलू ऐड कर रहे हैं। आलू आप देख सकते हैं मैंने किस तरह आलू की कटिंग की है, इस तरीके से, या हम जिस तरीके से मर्ज़ी लेकिन बारीक कटे हुए आलू हों। तो आपने आलू अंदर ऐड कर देने हैं मसाले में। इस तरीके से मसाले में आलू ऐड करने के बाद हम आलू को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम ज़ीरे का ऐड करें। ज़ीरे के अलावा मैं कोई इसमें मसाला ऐड नहीं करी, सिर्फ नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा। इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं किया। और टमाटर, अदरक, प्याज, आलू, ये वही मसाला जाते हैं जो आपके घर में मौजूद होते हैं। तो कभी भी जब के घर में मसाला मौजूद ना हो तो ये घर में ऑलरेडी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आप घर में बनाएं सालन और खाना खाएं। तो एक बार आप देख सकते हैं आलू हमारे गल चुके हैं, और 2 अदद अंडे मैंने ऐड किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर आप थोड़ा सालन बनाना चाहते हैं तो आप 1 अंडा शामिल करें और कम मसाला बना लें। तो मैंने 2 अंडों के मुताबिक अपना मसाला बनाया। तो अब अंडों को हम अच्छी तरह आलुओं के साथ फ्राई कर लेते हैं। ये वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने ख़त्म करना है सफ़ेदी का कलर। इसको इस तरीके से हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे कि ये वाइट वाइट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और यकजान हो जाए ये सारी चीज़ें। तो प्याज को हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना इसका, प्याज थोड़ा खड़ा खड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आलू अंडों के सालों में प्याज खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी, और बहुत कम टाइम में 5 मिनट से भी पहले ये रेसिपी बनके तैयार होगी। तो आप सालन के साथ, सालन में यही रेसिपी बनाएं। तो इमरजेंसी भी आप ये खाना बना सकते हैं, घर में कुछ ना अवेलेबल हो तो ये ऑलरेडी घर में मौजूद होती हैं चीज़ें। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।